हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विशी वी। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी और अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रख रहे होंगे, फ़ोन के थ्रू डेली बेसिस पे बात कर रहे होंगे, उनका हालचाल ले रहे होंगे। और आज है नवमी। यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो करके सबसे पहले मैंने प्रसाद बनाया है देवी मैया के लिए भोग लगाने के लिए, जो कि है हलवे का, सूजी का हलवे का प्रसाद, हलवे का मैं बोल रही हूँ, सॉरी। तो बस ये सिंपल तरीके से मैंने कई बार रेसिपी शेयर की है, तो उतना नहीं, और सबको आती भी है, तो डेली रेसिपी क्या शेयर करना है, इसलिए मैं छोटे छोटे क्लिप्स निकाल लेती हूँ और आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बस इसीलिए। और यहाँ पे ये मेरा हलवा जो है वो रेडी हो गया है प्रसाद के लिए, और बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पे हलवा जो है, मैंने पहले इसमें चने भी डाल सकते हैं, बट अभी मेरे पास जो चीज़ जितना था मैंने उसी में ही बना के काम चला लिया है। तो हलवे का सिर्फ प्रसाद बना के मैंने पहले जो नहा धो करके किचन में जो है निकाला था, और फिर उसके बाद पूड़ी सब्जी मैंने बाद में अलग से बनाई थी, क्योंकि खाने में कुछ बनाना था, तो मैंने कहा चलो खाने में आज पूड़ी सब्जी बना देते हैं, जो नवमी के दिन बनता है बेसिकली कन्याओं के लिए। कन्याओं के लिए वैसे तो चने की सब्जी, हलवा और कद्दू की सब्जी, आलू टमाटर की भी बनती है, तो मैंने इधर आलू टमाटर की सब्जी बना दी थी एक तरफ जो था मेरे पास, और दूसरी तरफ पूड़ियाँ निकाल रही थी मैं, तो एक साथ ये दोनों काम हो गए। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ जब भगवान के नाम पे बनाओ तो कुछ अलग ही टेस्ट आता है, अलग से कैसे आ जाता है ये नहीं पता, तो ऐसा हम हमेशा सोचते हैं, बट ज़्यादा कर नहीं आता। आज भंडारा वाला टेस्ट आ रहा था। और यहाँ पे देखिए, मेरे हस्बैंड को सफाई का चस्का फिर से चढ़ा, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप कर लो, क्योंकि स्विच बोर्ड वगैरह पे ज़्यादा मेरा जल्दी ध्यान नहीं जाता, और मैं सही बताऊँ तो इलेक्ट्रिक सामान पे जो भी होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा होता है, उससे तो मैं बहुत डरती हूँ। तो यहाँ पे फिर भी फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह तो साफ़ हो जाता है, कर देते तुरंत जब होता है, फ्रिज तो हफ्ते में या 15 दिन में साफ़ होता है, मतलब नॉर्मल डीप क्लीनिंग वाली, वैसे तो नॉर्मल हमेशा कपड़ा मार ही देते हैं, और इतना डेली बेसिस पे तो कोई नहीं मारता, बट जब भी होता है, टाइम मिलता है तब दिख गया सामने, तब हो गया, बट स्विच पे इतना जल्दी ध्यान नहीं जाता इनका, कहते हैं ना खाली दिमाग तो कुछ ना कुछ करना है, तो इन्होंने यही करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है ये भी हो जाए। हो गए हैं सारे काम, और मैं आ गई हूँ थोड़ा बाहर की धूप लेने। जब बाहर धूप आती हूँ ना, तो ये ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, किसी किसी को लगता होगा फिल्टर या पिंकिश वैसा, नहीं देखिए ऐसा अलग आता है, इसका अलग आता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, वो लाइटनिंग का इफेक्ट होता है, और अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब घुटन टाइप की कभी कभी लगने लगती है। परसों रात में मेरा बहुत ज़्यादा सर फट रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, तो रात में ये वाला गेट खोल करके और ये जाली वाला लगा करके और फैन चला के फिर सोई थी मैं, बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा था। तो ये मुझसे कहते हैं कि ऑब्वियसली बाहर नहीं निकल सकते, मगर बालकनी में आप ना सुबह शाम 1-1.5 घंटा आराम से स्टू लगा के बैठ जाया करो, और थोड़ी बाहर की हवा आएगी तो थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि घर बंद बंद रहता है ना बहुत, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हवा पास नहीं हो रही, वेंटिलेशन नहीं हो रहा, तो उस बिना वेंटिलेशन के कहीं ना कहीं घुटन हो ही जाती है। तो काम सारे हो गए हैं। आजकल सबके घर में खूब कपड़े धोले जाते हैं, मशीन नीचे किसी ने लगा रखी है, तो सबके घर में हर दूसरे दिन मशीन लगती ही लगती है, बट कोई कहीं जा नहीं रहा तो मशीन लग क्यों रही है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और मैं तो अब पहले हफ्ते में एक बार कपड़े लगा वो मशीन लगाती थी, अब हफ्ते में 2 बार लगा देती हूँ। सपोज जब अगर ये कहीं जाते हैं, जाते क्या है मतलब नीचे सोसाइटी में ही जाते हैं और सामान लेकर आते हैं, जब हफ्ते में एक बार तो जाना ही पड़ता है, दूध वूध लेकर आ जाते हैं, दूध दही, दही तो मैं मंगवा लेती हूँ क्योंकि शिवी मेरी दही खाती है, और दही रहता तो ये रहता कि खाने में अगर सपोज तो सब्जी नहीं है या कोई चीज़ कम बनी है, ज़्यादा बना ली शाम के लिए भी रखी है और वो कम पड़ रही है, तो वो हम क्या करते हैं कि मैनेज कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल जो है प्रसाद जो मैंने बनाया वो थोड़ा ज़्यादा ही बनाया कि वो शाम तक भी मैनेज हो जाएगा, सब्जी ज़्यादा हलवा ज़्यादा, तो अभी तो पूड़ी बना दी, शाम को क्या करूँगी रोटी या पराठे में से जो पसंद आएगा मिस्टर को वो बना दूंगी। तो दिन ऐसे ही निकल गया। प्रसाद जो है हमने माता रानी को हलवे में वो हलवा बनाया था, तो वही प्रसाद चढ़ाया था, हलवा चने भी बनते हैं, बट मेरे पास चने नहीं थे तो मैंने नहीं बनाए, और कद्दू की सब्जी भी बनती है, तो जो जो था मैंने वही ट्राई करके बना लिया। तो मैंने आलू टमाटर की इसलिए सब्जी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, और वो ये बात तो सही है कि जब आप जब वैसे बनाओ ना तो उतना टेस्ट आलू टमाटर की सब्जी में आए ना आए, मगर नवरात्र के दिन, नवमी के दिन बहुत आता है। तो मैं जब तक ये वीडियो डालूंगी आई थिंक ये नवमी तो खत्म हो ही जाएगी, बट अभी आज, क्योंकि आज ही वीडियो मैंने बहुत लेट डाला, काम में बिजी हो गई थी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो नए नए लोग आए हैं और इतने अच्छे से कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया कीजिए। और बहुत सारे लोग जो मतलब कुछ लोग जो नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ धीरे धीरे करके, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं,
तो मैं इतना ही बस बोलूंगी कि क्वेश्चंस मैं आंसर किसी किसी का दे देती हूँ, किसी किसी का नहीं देती, क्योंकि मुझे बस यहाँ पे लोग कुछ कमेंट करते हैं। अभी एक कमेंट आता, हंसी आ गई थी कि तुम बहुत देशभक्त बन के लेक्चर देती हो, तो मैं उनसे ही बोलूंगी, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं अपने देश के लिए बोल रही हूँ, कहीं किसी और के लिए नहीं बोल रही। और अगर उनको ये लेक्चर लग रहा है तो कोई बात नहीं, पता नहीं वो कौन से देश में, मुझे नहीं पता, बट जिस देश के हैं वो अपनी देश की रक्षा भी करें और उसका पालन भी करें, उसके रूल, अपने देश के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें, वो किसी भी देश के हों। तो बस यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि ऐसी ही आप लोग अपना जो सुझाव है, अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे लिख के बताइए। और अगर कुछ मुझसे, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो अगर मैं कहीं गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए। बट हाँ, लैंग्वेज थोड़ी सही होनी चाहिए। फीडबैक मतलब ये नहीं कि कुछ भी, कोई कोई लैंग्वेज जो है वो बहुत गलत यूज़ करता है, ऐसा नहीं। मुझे बहुत लोग, मुझे बहुत जो है बहुत प्यार से, कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो बहुत पुराने भी हैं, अभी तक जुड़े हैं, मैं उनको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि मेरे अच्छे या बुरे वक्त या कैसे भी वक्त में वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मैं गलत होती तो मुझे अलग से जाकर वो मुझे समझाते भी। जैसे मैंने एक दिन अभी बीच में एक वीडियो डाल दी थी जो थोड़ी नेगेटिव थी, मैं मानती हूँ, मेरे पास तुरंत मेरी एक फ्रेंड का फोन आया और बहुत से लोगों का मैसेज आया कि प्लीज़ आप इस वीडियो को हटाइए। तो मैंने रियलाइज़ किया यहाँ पे मैं गलत हूँ, और मैंने उस वीडियो को तुरंत हटा दी और मैंने अपना ब्लॉग डाल दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है। और वो ब्लॉग, वो वीडियो वो वाली नहीं थी जो पहले मैंने डाली थी, कुछ लोग रिलेट कर रहे थे, मैंने जब कम्युनिटी पे डाला था तो कुछ लोग रिलेट कर रहे थे कि शायद मैंने जो उन ब्लॉगर के ऊपर, जो मैंने उन ब्लॉगर पे भी मैंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया था, सिर्फ मैंने एक पॉलिसी पे, वो बात खत्म हो गई, उन्होंने भी बात खत्म की है, हाँ वहाँ मैंने भी हाँ खत्म कर दी, तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहती, बट नॉर्मली बता रही हूँ। तो ऐसी गलतियाँ हमसे भी होती हैं, हम भी इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। और मैंने रियलाइज किया कि हाँ, लोग मुझसे कह रहे हैं कि ये वीडियो आपके वीडियो पे अच्छी नहीं लग रही, आपके चैनल पे अच्छी नहीं लग रही, प्लीज़ आप उसे हटा दीजिए। तो मैंने उसे तुरंत प्राइवेट कर दी, तुरंत, मतलब उसमें 60-70 लोगों ने शायद देखा होगा, और फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट कर दी। तो आप लोग ऐसे ही, अगर मैं कहीं गलती जाती तो प्लीज़ मुझे बताया कीजिए। और येलो वाली मधुमक्खी मुझे दिख गई, कहीं वो काट ना ले, तो मैं पहले ये बंद कर रही थी क्योंकि घर के अंदर घुस गई तो बहुत मुश्किल होगा। शिवी देखकर तो पीछे पीछे घूमती है। शिवी को कुछ लोग पूछ रहे थे शिवी कितने साल की, जो नए लोग आए हैं, तो शिवी अभी जो है 20 मंथ की है, और बस बहुत मस्ती करती है मेरे साथ, हम लोगों के साथ, और बहुत टाइम जो है शिवी के साथ जो बीतता है ना, तो धीरे 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 करके पता नहीं चलता। शिवी मेरी बेटी का नाम है, मेरा नाम शिखा है, और यही सारी चीजें। चलिए मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।